गुरुग्राम समेत हरियाणा की तमाम बड़ी खबरों को देखने के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना बिल्कुल ना भूलें, जिससे हर अपडेट आप तक पहुंचे सबसे पहले। नमस्कार, आप देख रहे हैं वी न्यूज और मैं आपके साथ प्रियंका राजपूत। आम आदमी पार्टी के राष्ट्रीय संयोजक और दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल आज फिर देहरादून पहुंचे हैं, जहां प्रेस वार्ता के दौरान उन्होंने बड़ी घोषणा की। उन्होंने ऐलान किया कि उत्तराखंड में आगामी विधानसभा चुनाव में आप पार्टी से कर्नल अजय कोठियाल सीएम पद का चेहरा होंगे। वहीं उन्होंने दूसरी घोषणा करते हुए कहा कि हम उत्तराखंड को पूरी दुनिया के हिंदुओं के लिए आध्यात्मिक राजधानी बनाएंगे। उत्तराखंड के मुख्यमंत्री के रूप में कर्नल अजय कोठियाल का नाम की घोषणा करने के बाद केजरीवाल ने कहा कि कुछ दिन पहले मनीष सिसोदिया देहरादून आए थे। उन्होंने कहा था कि इस पर हम जनता की राय जानेंगे। हमने प्रदेश की जनता से सुझाव लिए हैं, आपसे सीएम कैंडिडेट किसे बनना चाहिए। इस पर लोगों का बेहतरीन जवाब आया है। लोगों ने कहा कि जब से उत्तराखंड बना है तो कुछ पार्टी और कुछ नेताओं ने उत्तराखंड को लूट लिया है। अब हमें पार्टियां नहीं बल्कि एक देशभक्त फौजी चाहिए। बहुत बड़े स्तर पर लोगों ने कहा कि इन पार्टियों के भरोसे उत्तराखंड आगे नहीं बढ़ सकता, हमें कर्नल अजय कोठियाल ही चाहिए। ये निर्णय आप पार्टी ने नहीं बल्कि यहाँ की जनता ने लिया है। कहा कि कर्नल कोठियाल वो शख्स हैं जिन्होंने अपनी जान की बाजी लगाकर देश की रक्षा की। जब उत्तराखंड के नेता इस प्रदेश को लूट रहे थे तभी शख्स सीमा पर देश की हिफाजत में लगा था। कुछ साल पहले केदारनाथ आपदा आई थी, तभी शख्स ने अपनी टीम के साथ मिलकर केदारनाथ का पुन निर्माण किया था। अब इन्होंने उत्तराखंड के नवनिर्माण का बीड़ा उठाया है। हम उत्तराखंड को देव भूमि कहते हैं। यहाँ इतने तीर्थ स्थान हैं, कितने देवी देवताओं का वास है। यहाँ पूरी दुनिया से हिंदू यहाँ श्रद्धा के साथ दर्शन करने आते हैं और कर्नल कोठियाल को केदारनाथ में काम की वजह से लोग भोले का फौजी कहते हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, वी न्यूज़।